प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स और सब्सिडरी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q, where p and q are the functions of x only or constants आर कॉल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट में LDE क्या है, किस फॉर्मेट का होना चाहिए? तो फॉर्मेट आपका होना चाहिए dy by dx plus py equal to q, जहां पर p और q या तो सिर्फ x का फंक्शन हो या फिर ये क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए कांस्टेंट। समझ गए, p और q या तो x का फंक्शन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो सॉल्व करने का तरीका इस प्रकार से है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ई पे पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, तो e पे पावर इंटीग्रेशन pdx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो e पे पावर इंटीग्रेशन pdx इनटू dy बाय dx प्लस py और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो q इनटू e पे पावर pdx। समझ गए, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, तो अब इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो देखिए तो क्या मिलेगा, तोड़िएगा तो आपको मिलेगा e पे पावर इंटीग्रेशन pdx इनटू dy बाय dx प्लस py इनटू e पे पावर इंटीग्रेशन pdx इक्वल टू आपका हो गया q इनटू इंटीग्रेशन e पे पावर इंटीग्रेशन pdx। समझिए कितना हो गया, और इसको देखिए तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, implies dy dx of y into integration e पे पावर pdx equal to q into e पे पावर integration pdx। अब इसको बोलिए तो कैसे इतना लिख सकते हैं, तो देखिए इसको फर्स्ट into सेकंड में डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए तो क्या होगा, सेकंड वैसे ही समझिए, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट वैसे ही, यानी कि आपका क्या हो गया, फर्स्ट वैसे यानी कि वाई आपका वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई पे पावर एक्स, हाँ यानी ई पे पावर एक्स, और फिर जो है कि आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, p बचेगा।
क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ पी। ये चैंग रूल पे यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन आपका ऊपर वाला मिल जाएगा, समझ गए। और अब क्या कीजिए, तो अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन y into e पे पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और इस तरह बचेगा आपका इंटीग्रेशन q e पे पावर p dx, और ये वाला dx इस तरफ लाइएगा तो आपका हो जाएगा dx, और जब आपका प्लस कितना हो जाएगा c, समझ गए, प्लस आपका c, और इसी को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन q into if dx प्लस c, वेयर if इक्वल टू हो गया e पे पावर p dx, और if को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ गए। if को हम लोग क्या बोलते हैं, if को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यही आपका जो है ना सॉल्यूशन देता है, ये आपका क्या देता है सॉल्यूशन, ये आपका फॉर्मूला हो गया कैसे इक्वेशन का, तो यदि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसके लिए एक और फॉर्मेट होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर अगले लेक्चर में दूसरे फॉर्मेट पे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। इसको प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व dy by dx plus y by x equal to x cube है, और इसको सॉल्व करना है। तो लिखिए सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus 1 by x into y इक्वल टू कितना हो गया x क्यूब। तो देखिए तो अभी आप क्या पढ़े कि dy by dx plus py इक्वल टू कितना होना चाहिए क्यूब, हाँ या नहीं, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर p dx हो जाता है, समझ गए। तो एक बात बोलिए कि यहाँ पर p बराबर कितना है 1 by x और q बराबर कितना है x क्यूब, ठीक है। अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e पे पावर p, p का मतलब 1 by x dx, e पे पावर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का है का? आप बताइए कि 1 by x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x to the base c, आया नहीं, और फॉर्मूला है कि ये दोनों आपका मिल जाता है तो कैंसिल हो जाता है और वैल्यू कितना मिल जाता है x, जानते हैं ना, ये आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का e और ये बेस e यदि सेम रहता है या a a भी रहे कुछ भी रहे सेम रहे तो दोनों कैंसिल हो जाता है और तो वैल्यू कितना हो जाएगा x, सब कुछ हट जाएगा वैल्यू x हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना मिल गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया x। लिखिएगा सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन खोलिए तो अभी क्या पढ़े थे हम लोग, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये ना पढ़े थे, ये पढ़े थे तो वाई एक बात बोले कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स है ना, q बताइए तो कितना है x cube into x dx, और प्लस कितना हो गया, तो प्लस आपका हो गया c, यानी कि yx equal to x पे पावर 4, x पे पावर 4 का इंटीग्रेशन x पे पावर 5 by 5 प्लस कितना हो गया c, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
this is the required solution. समझ गए, यही आपका solution. इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्या है, कहता है सॉल्व dy by dx plus xy equal to x cube. तो एक बात बताइए, सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus आप क्या लिखिएगा, x into y equal to x cube. फॉर्मेट होता है dy by dx plus py equal to q. तो एक बात बोलिए कि p बराबर कितना है, x, और q बराबर कितना हो गया, x cube, है या नहीं? और अब आपको करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx, e पे पावर p के जगह पे x रखिएगा, और इस तरह से x का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2. कहने का मतलब है कि इस बार आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e पे पावर x स्क्वायर बाय 2. अब सॉल्यूशन आपको लिखना है, लिखिएगा सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c. तो y into, एक बात बोलिए कि integrating factor कितना है, e पे पावर x square by 2, q आपका है x cube, integrating factor e पे पावर x square by 2 dx, और प्लस कितना हो गया c. और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और इसका इंटीग्रेशन आप बताइए कैसे कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा. तो देखिए हम आपको बताते हैं इंटीग्रेशन कैसे होगा. तो यहां पर आप क्या कीजिए कि y e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x, समझ गए, x इनटू आपका कितना हो गया x स्क्वायर into e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 dx plus c. इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग. और अब देखिए कि x स्क्वायर बाय 2 e पर जो पावर है इसको आप पुट कीजिए, कुछ ना कुछ फायदा होगा. हम लोग पुट करेंगे, पुट सिर्फ पावर का पुट कीजिए, पुट x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का कितना 2x बाय इधर आपका dt बाय dx, ये दोनों कैंसिल, x dx बराबर dt और dx बराबर आपका हो गया dt बाय x. therefore y into e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 बराबर, यह x रहने दीजिए और x स्क्वायर यहां पर है ना, तो x स्क्वायर बराबर 2t हो जाएगा, 2t e पे पावर t और dx के जगह पर dt by x प्लस आपका c तो है, ठीक. अब देखें तो x x आपका कैंसिल हो गया, y into e पे पावर x स्क्वायर बाय 2, ये 2 कांस्टेंट है बाहर, t into e पे पावर t dt प्लस c, ये आपका फर्स्ट फंक्शन. और ये सेकंड फंक्शन है या नहीं, आइलेट से हम लोग करेंगे इसको. अब बताइए तो कितना हो जाएगा, y into e पे पावर x स्क्वायर बाय 2, 2 चूंकि 2 इनटू में है तो ब्रैकेट डाल दिए, ठीक. अब इसको फर्स्ट इनटू सेकंड में तोड़िए, तो फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और प्लस आपका हो गया c. कहने का मतलब y into e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2 t e पे पावर t माइनस 2, दो से ये भी गुना होगा, और e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t प्लस आपका हो गया c. और अब t के वैल्यू रख दीजिए, तो
तो y इंटू e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2 t, तो t के जगह पे क्या रखिएगा, t के जगह पर रखिएगा आप x स्क्वायर बाय 2 इंटू e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 e पे पावर आपका हो गया x स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना हो गया c, समझ गए, प्लस c। देखिए तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो y इंटू e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x स्क्वायर e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। e पे पावर x स्क्वायर बाय 2 कई जगह पे दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको उधर ले जाकर भाग दे दीजिए। Therefore y बराबर x स्क्वायर ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 2 ये भी खत्म हो जाएगा और c के साथ आ जाएगा, लेकिन c के साथ तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा तो फिर आप ऊपर लाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, और यही आपका सॉल्यूशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, सॉल्व डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स, तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स होता है। एक बात बताइए तो p बराबर कितना है, cot x एंड q बराबर है 2 cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx e पे पावर p, p बोलिए तो कितना हो जाएगा cot x dx, और बताइए तो cot x के इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x है या नहीं, cot x के इंटीग्रेशन log sin x, तो आपका हो गया e पे पावर log sin x टू द बेस e, ये सब का सब खत्म हो गया और कितना बचेगा sin x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो गया sin x, लिखिएगा सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, y into integrating factor equal to q into integrating factor dx और plus आपका हो गया c, plus c, तो y into integrating factor बताइए integrating factor कितना है, sin x equal to q, q आपका किसके बराबर है, q है आपका 2 cos x into sin x dx प्लस आपका हो गया c, तो y sin x इक्वल टू 2 sin x into cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर है या नहीं, तो sin 2x के इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं, तो आप बताइए तो y बराबर y sin x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस cos 2x x के कोफिशिएंट से भाग प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, this is the required solution, इसको नोट कीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कहता है बोलिए तो, solve cos स्क्वायर x into dy by dx plus y equal to 10x, तो आइए इसको लीनियर फॉर्म में लाइए, तो लीनियर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x से आपको भाग देना पड़ेगा। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos स्क्वायर x से भाग दे दीजिए तो dy / dx + 1 / cos स्क्वायर x / y इक्वल टू 10x बटे में कितना हो गया cos स्क्वायर x दैट इज dy / dx + sec स्क्वायर x / y इक्वल टू 10x और इनटू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x आया नहीं 1 / cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा तो sec स्क्वायर x बताइए तो p कितना है p इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x एंड q इक्वल टू हो गया आपका 10x इनटू sec स्क्वायर x तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर p dx e पे पावर p यानी कि sec स्क्वायर x dx sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x यानी कि लिखेगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज आपका कितना हो जाएगा y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है e पे पावर 10x इक्वल टू q q आपका है बोलिए तो कितना 10x इनटू sec स्क्वायर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e पे पावर 10x और प्लस आपका c और अब देखिए तो कैसे आप इंटीग्रेट कीजिएगा इसमें देखिए ना पावर 10x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x इसीलिए आप पुट कीजिए क्या पुट कीजिएगा 10x पुट 10x equal to t, differentiating with respect to x, 10x का आपका हो गया sec square x, dt by dx, तो sec square x dx, इसका मतलब कितना हो गया dt, इसका मतलब dt, और आइए अब एक एक करके वैल्यू रखिए, तो लिखिएगा therefore, y into e पे पावर 10x equal to integration, 10x के जगह पे t, e पे पावर t और sec स्क्वायर x dx यहां पर dx भी लिख लीजिएगा sec स्क्वायर x dx इसका मतलब कितना हो गया dt + c और फिर यहां जो है हम लोगों को कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा फर्स्ट इनटू सेकंड का तो ये भाई साहब फर्स्ट और ये भाई साहब सेकंड आइलेट पे हम लोग ले लिए फार्मूला क्या होगा बोलिए तो y e पे पावर 10x इक्वल टू फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है या नहीं प्लस सी तो देखिए तो y e पे पावर 10x इक्वल टू t e पे पावर t और e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t हो गया तो y e पे पावर 10x इक्वल टू t t के जगह पे आप लिखिए 10x इनटू e पे पावर 10x माइनस e पे पावर 10x प्लस c फिर उसी तरह से अपना e पे पावर 10x अच्छा नहीं लग रहा है होप कि इसे भाग दिया होगा एक बार मैं आंसर का फॉर्मेट देख लेता हूं पूर्ण विश्वास है कि e पे पावर 10x से भाग दिया होगा क्योंकि तभी अच्छा लगेगा बिल्कुल सही बात है तो आप भाग दे दीजिए e पे पावर 10x से y इक्वल टू यहां पर सिर्फ बचेगा आपका 10x माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 1 और प्लस सी ई पे पावर कितना हो जाएगा माइनस 10x क्योंकि ई पे पावर 10x नीचे आएगा फिर जब ऊपर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसको नोट कीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग क्या है अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ dy / dx + 2y 10x equal to sin x and if y equal to 0 when x equal to pi / 3
एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम लोगों को वाई निकालना है किसके पदों में, एक्स के पदों। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व कीजिएगा? सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इक्वल टू आपका हो गया साइन एक्स। तो एक बात बोलिए तो p बराबर क्या होगा, ये तो लिनियर इक्वेशन है ना, तो y को छोड़ दीजिए तो 2 tan x हो जाएगा। p इक्वल टू हो गया 2 tan x और q इक्वल टू कितना हो गया sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए तो e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, e पे पावर दो बाहर tan x dx, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर 2 tan x के इंटीग्रेशन log sec x। ये बाहर है ना, दो इस दो को हम लोग ऊपर भी तो भेज सकते हैं। दो को बोलिए कहां भेज सकते हैं, e पे पावर log sec स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ यानी, और यहाँ पर बेस कितना है, बेस e है, तो सब का सब कैंसिल, अकेला क्या बच जाएगा sec स्क्वायर x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो गया sec स्क्वायर x। लिखिएगा हेंस सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस y। सी नहीं, dx प्लस कितना c, dx प्लस c। y बोलिए देखिए कितना है, y तो y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कितना है sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec स्क्वायर x dx और प्लस कितना हो गया, तो प्लस आपका हो गया c। हाँ यानी यहाँ तक तो कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अब ऐसा कीजिए y sec स्क्वायर x इक्वल टू sin x है ना, यही sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 by cos square x dx plus c। तो y sec square x बराबर sin by cos कितना हो जाएगा 10 x और 1 by cos कितना sec x dx plus कितना हो गया c। यानी कि y sec square x equal to sec x into 10 x से क्या होता है integration sec x plus कितना हो गया c। इसको आप ले लीजिए 1 नंबर। और अब देखिए तो क्या बोल रहा है, कहता है कि y बराबर 0 है जब x इक्वल टू कितना है पाई बाय 3 है या नहीं, और इस चीज से हम लोगों को वैल्यू मिलेगा c का। तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू पाई बाय 3 एंड y इक्वल टू 0 इन 1, 0 इंटू sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू sec पाई बाय 3 प्लस c। ये तो जीरो हो गया, इक्वल टू sec कितना 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री कितना होता है दो ना होता है, sec cos 60 डिग्री कितना होता है एक बटे दो, तो sec 60 डिग्री दो हो गया 2 प्लस c इंप्लाइज c इक्वल टू हो गया माइनस 2। इसका मान आप 1 में रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x माइनस 2। लेकिन बोल रहा था कि y को x के पदों में निकालिए तो sec स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू sec x बाय sec स्क्वायर x माइनस 2 बाय sec स्क्वायर x। यानी कि y बराबर 1 sec का तंत 1 बाय sec कितना हो जाएगा cos, यानी कि आपका हो गया cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, होप कि आंसर भी यही फॉर्मेट होना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए एक बार बताइए तो सॉल्यूशन कि यहां पर p बराबर कितना है, p बराबर 10x, और परीक्षा में एक बार क्वेश्चन को लिख दिया जाता है, समझे? परीक्षा में क्या है कि एक बार क्वेश्चन को लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट p बराबर लिख के काम नहीं कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया गया है। और q बराबर बोलिए तो कितना है, 2x प्लस x स्क्वायर 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, e पे पावर p के जगह पे कितना 10x dx, और 10x का इंटीग्रेशन log sec x, यहाँ बेस e है, सब कुछ कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर आपका हो गया sec, समझ गए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया sec, और अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा hence solution is, hence solution is given by y into integrating factor equal to integration q into integrating factor dx plus c, y integrating factor आपका कितना है sec x equal to q, q आपका है 2x plus x square 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया sec x dx plus c, तो y sec x इसको तोड़ दीजिए तो 2 बाहर, x sec x dx plus x square 10x into कितना हो गया sec x dx, और प्लस कितना हो गया c। अब बताइए कि कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, हाईलाइट लगाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? ये 3 बार के प्रोडक्ट में है और ये 2 बार के प्रोडक्ट में है, फिलहाल इसको छोड़कर हाईलाइट आप यहां लगा दीजिए, देखिए क्या पता ये कट भी जाए, तो हाईलाइट में i कितना होता है, इनवर्स l log, a मतलब अलजेब्रा, यानी कि ये भाई साहब फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये भाई साहब सेकेंड, तो फॉर्मूला क्या कहता है, y sec x बराबर 2i, और देखिए फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, sec x का हो जाएगा sec x into 10x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 1, आया नहीं? Yes, x का 1, ठीक है, x का 1, और sec x का कितना हो जाएगा, sec x की इंटीग्रेशन sec x into 10x dx, हाँ या नहीं? और एक चीज देखिए कि एक जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया कि क्या ये करने के चक्कर में आपका जो है ना अगला टफ हो जाएगा, अगला टफ इन द सेंस कि ये कट नहीं पा रहा है, क्यों नहीं कट पा रहा है, क्योंकि x को आप फर्स्ट फंक्शन माने थे तो फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन कितना होता है सेकंड फंक्शन का, यहां पर देखिए x का पावर घट गया जबकि यहां पर आपको पावर कितना चाहिए था 2, पावर बढ़ना चाहिए था, इसीलिए यहां पर उल्टा कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट मान लीजिए sec x, ये फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड, क्यों? क्योंकि यहां से आपको फायदा नहीं मिल रहा, इसीलिए अब क्या कीजिएगा, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2, वैसे ही फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, यानी कि sec x वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि sec x का डिफरेंशिएशन कितना sec x into 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का इंटीग्रेशन कितना
एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स है या नहीं, और इसको जीरो का क्यों लिख दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको तोड़ दीजिए, तो y sec x into ये तोड़िएगा तो ये दोनों तो कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर sec x माइनस दो दो कैंसिल x स्क्वायर sec x into tan x dx और प्लस हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर sec x into tan x dx प्लस c है या नहीं। और देखिए तो इस प्रकार से ये दोनों आपसे कैंसिल हो गया, तो y sec x equal to x square sec x plus c, sec से भाग दे दीजिए बेहतर होगा है या नहीं, सॉल्यूशन भी बढ़िया मिलेगा। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x square sec x से भाग दे दीजिए c by sec x, यानी कि y बराबर x square plus c cos x। This is the required solution. सर उसको डायरेक्ट कैसे नहीं मान सकते? कहाँ पे? C by sec x. C by sec x. C by sec x. Sec x को आपका sec x variable ना है, आप नहीं मान सकते, है ना variable? इसीलिए this is the required solution. ठीक है? चलिए इसको note कीजिए।